Good morning, everyone. My lovely mascots. This is Dr. Mani on behalf of Vedantu BioTonic. Welcome to India's most loved and most followed bio channel. Today is day six of Target 360. We're going to be doing respiration in plants. Sharp at 10 o'clock, where I'm going to be doing all possible MCUs of this particular topic. Last 10 years' ke top 50 MCUs me aapko karvane wali ho. अभी मैं आपकी पूरी एनसीआरटी मार्क करवाने वाली हूं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये टॉपिक कम से कम ट्वेंटी टाइम्स करा चुकी हूं देखिए मैं भी आपको दिखाती हूं कि कितनी ज्यादा बार मैंने आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स करवाए हैं राइट right? तो भी बस आप जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड बी सो सरप्राइज ये देखिए आप सिर्फ यहां पर डालिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एनसीआर बाई वानी मैम जस्ट डू दैट तो पूरे का पूरा इनफैक्ट टॉपिक्स भी ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिसक्न लेक्चर लेक्चर टू में पूरी एनसीआरटी मार्किंग कराइए ये देखिए व्यूज आप पूरे का पूरा मैंने खत्म किया है राइट ग्लाइकोलाइसिस निमोनिक्स तक कराए हैं मैंने आपको ताकि याद रहे बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन जब आपको एमसीक्यूज आएंगे आज की क्लास में वे यू हैव टू डू कि कितने एटीपी थे कितने एनएडीपीएच थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन रैंक बूस्टर एमसीक्यू करवाए एवरीथिंग वी डन तो आप प्लीज ये सारी चीजें देखकर आइए ये देखिए पूरी एक एक लाइन एनसीआरटी की मैंने समझाई हुई है अभी मैं आपको सिर्फ एनसीआरटी में क्या क्या आज पढ़कर आना है क्विकली रिवाइज करके कर आने वो बताने वाली हूं राइट तो चलिए फटाफट से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं ओके okay तो एवरीबॉडी फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम आइए और चलिए आज की क्लास को पूरी मैं आपको अच्छे से बताती हूं तो आ जाइए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अपनी एनसीईआरटी को पिक कर लीजिए आपका पेज नंबर 226 है ये राइट right? तो रिमेंबर ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है नॉट एंड यहां पर एक स्पेशल चीज लिखी हुई है देखिए लोकेटेड इन सुपरफिशियल लेयर्स राइट एवरीबॉडी यहां पर क्लोरोप्लास्ट के लिए लिखा हुआ है वो प्लीज आप याद रखिएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो भी ग्रीन प्लांट्स ने उनको दिया वो करेंगे वो, वो वही खाएंगे दे कैन नॉट मेक फूड एनिमल्स हैं ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोफिक है एंड देन पर डेफिनेशन आएगी आपके सेलुलर रेस्पिरेशन की कि सेल्स जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी बनाते हैं इसके बाद आपकी डेफिनेशन आई है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की कि क्या क्या सबस्ट्रेट होते हैं जिन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है उनको रेस्पिरेटरी यू you नो know, कहते हैं फिर आपका आया है कि क्या आपका रेस्पिरेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है बहुत बार एमसीक्यूज में आया हुआ है, यह सिंगल स्टेप प्रोसेस है सो ऑब्वियसली इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस फिर आया हुआ है कि क्या प्लांट्स ब्रीद करते हैं और यह आपको पता है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ऑक्सीजन लेते हैं लेंटे होता है टोमाटा होता है और रूट हेयर सेल्स होते है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद यहां पर एनोरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पूछा है कैन यू थिंक ऑफ सम समशन वेयर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इज दैट क्लियर दैट इज वॉर्ड ट्राइंग टू टेल यू अबाउट एनोरोबिक रेस्पिरेशन वहां पर विच इज प्रोड्यूस विल बी लेस आ जाइए ग्लाइकोलाइसिस पे ग्लाइकोलाइसिस की सेकंड लाइन पे ग्लाइकोस बता है ग्लूकोज लाइसिस बोला है स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तीन नाम दिए हुए हैं गुस्टा वेमडन ऑफ जे फेरनास राइट है अंडरलाइन किया हुआ इस सेकेंड पैराग्राफ में राइट हियर और रादर ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट पैराग्राफ में ग्लाइकोलाइसिस की फिफ्थ लाइन में लिखा है पार्शियल ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं है और लिखा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड फिर आ जाइए सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस वहां पर एंजाइम का नाम दिया इनवर्टेज फिर दिया ग्लूकोस 6 फास्फेट थर्ड या फोर्थ लाइन में राइट एवरीबडी एंड बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है कि किस स्टेप पे एटीपी और एनएडीपीएच बनता है पेज नंबर 229 के फर्स्ट पैराग्राफ के एंडिंग में तो आप प्लीज देखिए इस डायग्राम में लिखा हुआ है एटीपी और एनएडीपीएच और ग्रीन से हाईलाइटेड है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट इट एटीपी यहां पर पहला लिखा है कि कहां पर यूटिलाइज हो रहा है दो स्टेप इट इज मैंशन है और पहले टू स्टेप्स ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फ्रुक्टोस वन सिक्स बाय फॉस्फेट इज दैट क्लियर जब थ्री पीजीएल से वन थ्री बना है वहां पर वी फाइंड दर इज वन स्टेप स्टेपीएसम एन ए डी प्लस तो वो बड़ा क्लियरली दिया हुआ है लास्ट में यहां पर दिया है एटीपी कब कब बन रही है बट इवन इफ यू डोंट रीड इट और आप सिर्फ ये देख लेते हो कहां यूटिलाइज हो रहा है और कहां बन रहा है दैट इज मोर देन इनफ आ जाइए पेज नंबर टू थर्टी पे अब आपका रियल काम शुरू होता है ऑफ मार्किंग ऑफ नोइंग वॉट इज इंपॉर्टेंट यहां पर बहुत क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेंटेशन पे आ जाइए राइट फॉर्मेंटेशन में एरोबिक पे 38 बनते हैं आपको पता है फॉर्मेंटेशन uh, में एरोबिक aer, जो कंप्लीट होगा फॉर्मेंटेशन करेंगे तो टू बनेंगे एटीपी इनकंप्लीट इसलिए फर्स्ट लाइन में लिख दिया राइट इनकम्प्लीट पायरोविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड लिख दिया लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ बाय लैक्टेड डीहाइड्रोजेनेस रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एडी टू विच इज रिऑक्सीडाइज टू एनएडी, देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है साथ में आराम से लिखा है नॉट मच एनर्जी रिलीज्ड टू एटीपी सिर्फ रिलीज होता है इज दैट क्लियर एवरीबडी इट इज नॉट रिलीज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आइए तो आपको यहां लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड लिखा है आपको पता और नीचे लैक्टोबैसिलस जो है वो प्रोड्यूस करता है ये लैक्टिक एसिड यहां कैलकुलेट करने को बताया आपको कि ग्लाइकोलाइसिस और यहां पर कितना होता है तो वो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही वेल डन इज दट क्लियर यहां पर एक क्वेश्चन है हाउ डू थिंक एल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर यहां पे तो दैट इज बाइ डिस्टिलेशन विच अकर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस आप प्लीज मेरा एनसीआरटी मार्किंग देखिए मैंने आपको एक एक चीज कराई हुई है

जो है एंटर कर जाएगा मैट्रिक्स के अंदर राइट आफ्टर इट एंटर्स इनटू द मैट्रिक्स मेट्रिक्स पूरा लिखा हुआ यहां, mitochondrial matrix है यहां माइटोकॉन्ड्रल मैट्रिक्स मैंने हाईलाइट कर दिया वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा देन इट विल फाइनली एंटर द माइटोकॉन्ड्रल मैट्रिक्स यहां एक वर्ड जो डायग्राम है आपका जो लाइन है उसमें मैग्नीशियम लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पायरुबेड डिहाइड्रोजिनेस लिखा है तो आपको यह भी पता होना चाहिए सिट्रेट आइसोसिट्रेट कीटोग्लूट्रेट तो निमोनिक बताया था सी आई नो सिंपल मेकिंग राइट एवरीबडी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाइए आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोए से सक्सेनिक एसिड जब बनता है राइट एनर्जी इज गेटिंग रिलीज ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए यहां लिखा भी है देखिए जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी राइट एवरीबडी थ साइमटेनियस सिंथिस ऑफ ए टीपी फ्रॉम ए डीपी ये पूरा एन एडी इज रिड्यूस टू एनडीएच ये बहुत इतना जितना मैंने किया आपको इतना भी अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आता है इट इज मोर देन एनफ प्लीज रिमेंबर दिस उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे यहां लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल आई इट इनर माइटोकॉन्ड्रियल वेरी इंपॉर्टेंट राइट फिर लिखा है डी एस टू ऑन पेज नंबर टू हंड्रेड एंड थर्टी थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टू हंड्रेड एंड थर्टी थ्री में देखिए यहां लिखा हुआ है यूबिक्वन ऑल्सो रिसीव इक्विवेलेंस राइट यूबिक्विनोन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं फिर आपका स्पेसिफिक लिखा है आउटर सर्फेस पे साइटोक्रोम सी होता है मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम फोर का नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है तो आप ये से पढ़ना शुरू कीजिए दोबारा दिखा देती हूं वीडियोस में सब कुछ है, see, जहां पर अभी समझ में नहीं आ रहा आप फटाफट सिर्फ देख लीजिए जहां पर ये देखिए ये पूरे वीडियोस आई मेड सी ऑल ऑफ दीज आर दीडियो आपको ये पूरी एनसीआर जो जो चीज में करा रही हूं एवरीथिंग इज देयर सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एट ऑल आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कॉम्प्लेक्स फाइव यहां पर माफ किया हुआ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए टीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर फाइनली आपको ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाली थ्योरी जो हमने फोटोसिंथेसिस में भी की थी आपको नजर आ जाएगा एफ वन हेडपीस है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अ साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एफ ओ एक इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये पूरा यहां लिखा है टू एच प्लस पास होंगे ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है अंडरस्टूड एवरीबडी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे आपने देखा मैंने एक स्पेशल लेक्चर लगाया हुआ था एक बार दोबारा देखती हूँ रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का लेक्चर है ये एक पैराग्राफ नहीं है इसमें मैंने पूरा एक घंटे का लेक्चर लिया है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट मैं आपको दिखाती हूं राइट right, आप देखिए डू दैट जहां कंफ्यूजन हो रहा है बेटा पढ़कर आओ तभी तो आज एमसीक्यूज करेंगे हम ओके है okay, कहां गया हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ये देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एंड कहाँ गया यहीं पे था देख लीजिए आप वरना इतना दे दीजिए सिर्फ रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तो भी आपको जो अरे वॉट इज हैपनिंग यहाँ से चले जाते हैं शायद वो क्लिक हो जाता है ना राइट डोंट डोंट डू दैट ना दैट इज राइट इज हैपनिंग मत कीजिए आप नो वरीज राइट चलिए तो आप बस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट लगा दीजिए आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ओके एम्फीबॉलिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड ये जो पूरा पाथवे है इतना सा स्क्वायर ये पूरा पाथवे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज एट क्लियर और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो फैटी एसिड वाला पूरे का पूरा आता है तो वो देखो फैटी एसिड सारे एसिडाइल कोए पे मीट करेंगे यहां पर इस पैराग्राफ में इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है देखो मेरी एनसीआरटी अगर इतना मार्क किया है दिस इज हाउ को एनसीआरटी को वो नहीं बनाना नर्सरी राइम की बुक रंग बिरंगी करके तो फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन एसिटाइल कोए में बिफोर दे आर गोइंग टू बी यूज इन द रेस्पिरेटरी पाथवे राइट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये देखो ये आपके अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज फैटी एसिड्स सब जाकर मिलेंगे एसिटाइल खो एनजाइम पे फिर ही वो एंटर करेंगे साइकिल में तो फैटी एसिड एंड ग्लिस्ट्रोल ग्लूकोज अमाइनो एसिड सारे कहां मिल रहे हैं एसिटाइल खोए एंड फाइनली रेस्पिटरी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही आपको पता वॉल्यूम सी टू डिड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वाले हुआ है इंडिविजुअल प्रोटीन वगैरह के लिए याद रख लीजिएगा एंड दट इज वट इज गुम इन एग्जाम आई विल सी यू शॉप इट टेन ओ कलॉक मिस द क्लास बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू सी शॉप इट डोन्ट फोरिको दैट यू डोट लेक्चर सी यू शॉप इट हेन बाय